किसी भी लाइटर से हम गैस चूल्हे को जला सकते हैं, मगर कैंडल को नहीं जला सकते हैं। देखते हैं, वाह क्या मस्त काम किया यार। इस वाले लाइटर से चेक करते हैं हम, वाह इससे थोड़ा फास्ट काम कर रहा है भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं लाया हूँ आपके लिए दो इलेक्ट्रिक लाइटर, जो कि आपको हम इस वीडियो में बताऊंगा कौन सा आपको परचेस करना चाहिए, क्योंकि भाई एक है बहुत ही कम प्राइस का और दूसरा बहुत ही ज्यादा प्राइस का भाई। तो इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कौन सा आपको सही बताऊं ना भाई। इस दोनों इलेक्ट्रिक लाइटर को लेने के बाद भाई मैं माचिस को और किसी भी फ्यूल की तरह लाइटर को भूल गया हूं। तो चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। सबसे पहले हमको एक इसमें चार्ज करने के लिए पिन मिल रहा है, जो कि काफ़ी छोटा है, और इस लाइटर को आप अपने पावर बैंक से या तो अपने किसी भी चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी चार्ज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देख पा रहे हैं। बाकी चार्ज होने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा, दो बटन दिया गया है, ऑफ ऑन कर सकते हैं। बाकी ऑन करने के बाद इस वाले बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये भाई लाइटर चालू हो जाएगा। जैसे आप इस बटन को प्रेस कीजिएगा, ये कुछ इस तरह से काम करने लगेगा, आवाज़ भी कर रहा है, कुछ साउंड भी आ रहा है इससे। ये लाइटर भाई मैं सच कहूँ तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ऐसे तो मैं ऑर्डर किया था ब्लैक कलर का, मुझे मगर मिला है सिल्वर कलर का। यह लाइटर आपको काफ़ी लचीला देखने के लिए मिलता है और अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी भी दिशा में आप रोटेट कर सकते हैं इजी तरीके से। और सबसे ज़रूरी बात, इस लाइटर का मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो मैं अमेजोन से परचेस किया हूँ इसको पूरे 400 रुपया में। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। भाई इस लाइटर का पैकिंग तो मुझे ठीक ठाक लगा, भाई इसका बॉक्स देखो और फिनिशिंग देखो, काफ़ी मुझे प्रीमियम लगा। ऊपर की ओर देखे तो भाई कुछ लिखा हुआ है ARC BBQ लाइटर। इस लाइटर के प्राइस के बारे में बात करूं तो भाई अमेजोन से मैं परचेस किया हूं पूरे 1300 रुपया में। भाई सोचो कहां ये 400 रुपये का लाइटर, कहां ये 1300 रुपये का लाइटर। वाह भाई वजन भी अच्छा खासा है। इस लाइटर में भी आपको चार्ज करने के लिए पिन मिल जाएगा छोटा सा। भाई अगर क्वालिटी का बात करूं तो भाई इससे बेस्ट है ये, क्योंकि भाई इसमें कहीं कहीं प्लास्टिक का यूज किया गया है, मगर इस वाले लाइटर में प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं किया है, हर जगह पे लोहे का या तो एल्युमिनियम का यूज किया गया है। और वजन के बारे में बात करूं तो भाई इससे ये कई गुना ज्यादा वजन है। इस लाइटर में भाई पूरे 3 बटन दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ऑफ ऑन करने के लिए एक बीच में बटन दिया गया है, जिसको ऑन करने के बाद ही ये दो बटन काम करेगा। ऊपर में जो बटन दिया गया इससे आप लाइटर को जला सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस लाइटर में 5 LED दिया गया, जिससे पता आपको चलेगा मेरा लाइटर चार्ज कितना है अभी। और नीचे की तरफ जो बटन दिया गया इससे आपका टॉर्च जलेगा। सिंपल लाइट के साथ साथ इमरजेंसी लाइट भी इसमें दिया गया है। ऐसे कोई काम नहीं था इमरजेंसी लाइट का, मगर दे दिया है तो भाई चलो ठीक है, वाओ। और साइड में ऑप्शन दिया गया है चार्ज करने का कुछ इस तरह से। और जो बीच में बटन दिया गया है इसको आप मास्टर बटन कह सकते हैं। इसको ऑफ करने के बाद भाई ये दोनों बटन काम नहीं करेगा। चलिए इस लाइटर के लाइट को चेक करते हैं। टॉर्च की तरह तो भाई लाइट इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, मगर किस हद तक इसमें लाइट मिलता है चलिए चेक करते हैं। देखो भाई वाओ, इमरजेंसी टाइम में भाई इस लाइट को काम में ला सकते हैं। इसमें एक फंक्शन और है, आपको हम दिखाते हैं। इसमें SOS लाइट, वाओ। इसे कोई काम नहीं था इसका, मगर दे दिया है कंपनी, चलो भाई ठीक है। इमरजेंसी के टाइम में किसी भी चीज़ को भाई आप देख सकते हैं। लाइट और लाइटर को दोनों साथ में जला सकते हैं आप, नहीं दोनों साथ नहीं जला सकते हैं, या तो आप लाइट को जला सकते हैं या तो लाइटर को जला सकते हैं। दोनों लाइटर से गैस चूल्हा को जला के देखते हैं, और सबसे पहले इस वाले लाइटर से जलाते हैं ऑन करके। वाह भाई काम तो अच्छा किया। चलिए हम अब इस वाले लाइटर से चेक करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं। ओ भाई चलो काम तो कर रहा है प्रेस। किसी भी लाइटर से हम गैस चूल्हे को जला सकते हैं, मगर कैंडल को नहीं जला सकते हैं। देखते हैं, वाह क्या मस्त काम किया यार। देखो दोनों को जलाते हैं, वाह माचिस का काम कर रहा है ये इलेक्ट्रिक लाइटर। सोचो इस वाले लाइटर से चेक करते हैं हम, वाह इससे थोड़ा फास्ट काम कर रहा है भाई। अगर आपको ऑफलाइन कम बजट में मिल रहा है तो भाई इस वाले लाइटर को लेना बेटर होगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये दोनों लेटर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी तरह का जानकारी लेने के लिए इस लेटर के बारे में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना।